हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आरती और अपने चैनल डिलीशियस रेसिपीज बाय आरती में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन की घंटी भी ज़रूर प्रेस कीजिए। वाह, पकौड़े देखकर तो मुँह में पानी आ गया। देखिए कितने क्रिस्पी और एकदम टेस्टी टेस्टी लग रहे हैं। इसको देखकर तो भूख डबल हो गई। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी और करारे पकौड़े बने हैं। तो आज इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसके लिए मैंने 4 से 5 कच्चे आलू लिए हैं। आलू आप साइज़ में किसी भी प्रकार का ले सकते हैं और इसको मैंने लंबाई में काट लिया है। फिर कुछ आलू को मैंने गोल सर्कल में काट लिया है। आलू आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी शेप में काट सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी पकौड़े बनते हैं और आलू को काट कर हमेशा पानी में रखना चाहिए, जिससे कि आलू कभी भी काले नहीं होते। इसके लिए मैंने लिया है 1 कप कुट्टू का आटा। आटा आप व्रत में खाए जाने वाला कोई भी आटा ले सकते हैं, जैसे कि राजगिरा का आटा और सिंघाड़े का आटा। इसको हम घोलकर एक स्मूथ बैटर बना लेंगे, जैसे कि हम नॉर्मली पकौड़ों के लिए हमेशा बनाते हैं। पानी हम ज़रूरत के अनुसार डालेंगे। बहुत ही टेस्टी पकौड़े होते हैं। कभी कभी हमारा ऐसा मन होता है कि हमें जल्दी से कुछ मिल जाए। जब फास्ट होता है, हम दिन भर के थके होते हैं, तो ये फटाफट सी रेसिपी है कि आप बिना सोचे समझे जल्दी से बना सकते हैं इसको, कि क्या बनाऊं क्या बनाऊं। तो बस उसके लिए मैंने इसमें डाला है 1/2 छोटा चम्मच जीरा, व्रत वाला सेंधा नमक, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, ये 2 से 3 हरी मिर्ची को मैंने काट के डाला है और 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा मैंने घिस के डाला है। इसमें मसाले जो भी मैंने डाले हैं, इसमें से अगर आपको कोई नहीं पसंद है तो आप इसको ना भी डालें, स्किप कर सकते हैं। फिर इसमें मैंने लिया है रिफाइंड ऑयल और जो हमने स्लाइस में पकोड़े को काट के रखा था लंबे, उसको अब हम इस बैटर में डालेंगे। बहुत थिक बैटर नहीं रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक बैटर रखने से जो पकौड़े होते हैं ना, वो डालकर फूल जाते हैं, जैसे पूड़ी फूलती है, तो फिर जो ऊपर की जो उसकी जो परत लेयर होती है वो क्रिस्पी नहीं हो पाती। तो बैटर हमको ऐसे रखना है कि हमारा जो, जैसे कि हम कोई भी पकोड़े बना रहे हैं, वो उसमें डूब जाए और उसके ऊपर एक पतली सी लेयर आ जाए। ये देखिए कितने टेस्टी और एकदम क्रिस्पी लग रहे हैं, बहुत ही अच्छे सिके हैं। और आलू को बहुत ज़्यादा मोटे स्लाइस में नहीं काटना है, क्योंकि अगर पतले आलू आपने काटे होंगे तो जल्दी सिक जाएंगे। बहुत मोटे आलू ऊपर से तो सिक जाएगा, लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एक बैच हमारा बनकर तैयार है, बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। झटपट भूख के लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है ये। तो अब मैं दूसरा बैच तैयार करूंगी, जो मैंने सर्कल में आलू काटे थे, उसको भी हम डालकर फ्राई कर लेंगे। हमेशा फ्राई करते समय गैस का फ्लेम मीडियम रखें, क्योंकि हाई फ्लेम पर कोई भी चीज़ सेकने से, तलने से, वो ऊपर से तो जल्दी सिक जाती है, लेकिन अंदर से हमेशा कच्ची रह जाती है। और फ्रेंड्स, जब भी हम कोई भी फ्राइंग का काम करें तो हमेशा बहुत ध्यान से करें। फ्रेंड्स, अगर ये देखिए, ये पकोड़े एकदम बनकर तैयार हैं। तो इसको मैंने सर्व किया है हरे धनिए की चटनी के साथ।